वो अनुराग इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद भी है दिल्ली से बातचीत करने के। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अनुराग जी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली क्या है कि मैंने स्पाइसजेट उठाए हैं, वो काफी डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में उठाए थे। स्टार्ट किया था 46 से ओके, और जो लास्ट लॉट जो उठाया था वो था 14 पे, ओके 1450 पे, और जो मेरा एवरेज प्राइस आ रहा है दैट इज 26 ओके। मेरे टोटल शेयर है 45,000 और स्पाइसजेट 45,000 शेयर्स हैं आपके पास एक्चुअली, और आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है? 26 रुपए। 26 रुपए। आप एक बात बताएंगे सर, आपने स्पाइस जेट के सिर्फ शेयर में ही खरीदारी की है, फिर इनके फ्लाइट्स में कभी ट्रेवल किया है? फ्लाइट में भी ट्रेवल किया मैंने। चलिए, किरण का सवाल जो है वो स्पाइस जेट पर है। एक बड़ी क्वांटिटी यानी 45,000 शेयर इनके पास है और 26 रुपए का एवरेज है, और उस एवरेज से भी आधा हो चुका है शेयर, यानी कि 13 रुपए आ चुका है। बहुत बड़ा घाटा इन्हें हो रहा है, करीब 4% शेयर आज ऊपर है लेकिन अभी भी नहीं खरीदा, इसे काफी पीछे है। आप क्या राय रखते हैं स्पाइस जेट के ऊपर? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने ये देखा है कि एक फॉलिंग स्टॉक को आप एवरेज करते नजर आते हैं तो क्या होता है। तो हम ये हमेशा कहते हैं कि नीचे स्टॉक जो आ रहा है उसको एवरेज कभी नहीं करना चाहिए, एवरेज स्टॉक ऊपर जाने वाले स्टॉक में आपको एवरेज करना चाहिए। अगर बिजनेस के और देखते हैं तो भी बिजनेस भी खराब है, अब हमने कभी देखा नहीं है एविएशन सेक्टर जो कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको देता नजर आया है। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट अगर आपको लगता है, मेरे ख्याल से तो गलत है, पर अगर इन्वेस्टर को भी लगता है कि आपका पैसा उससे नहीं बढ़ रहा है तो आपसे इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिएगा, उधर ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। जी हाँ बिल्कुल, और इस तरह के शेयर्स में खास तौर से आपको जो स्टॉप लॉस होता है उसे थोड़ा कड़ा रखना चाहिए ताकि